जय गुरुदेव। नमस्कार आप सभी को। आप सभी को इस भगवद गीता के क्लास में स्वागत है। आज से हम पांच पांच श्लोक सीखेंगे और अगर किसी को अर्थ जानना है तो डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, आप वहां से श्लोक का अर्थ जान सकते हैं। इसलिए हम ये कर रहे हैं कि जो भगवद गीता है वो जल्दी लोग सीखें। एक एक दो दो श्लोक से बहुत लेट हो जाएगा, बहुत देर हो जाएगा, तो इसलिए आप पांच पांच श्लोक सीखें और अगर अर्थ जानना है तो आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। पहले प्रार्थना करते हैं, गुरु प्रार्थना, और फिर बाद में आगे 11वां श्लोक से 15 श्लोक तक हम सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। ओम श्री परमात्मने नमः। तो पहले 11वां श्लोक देखेंगे। पहले छोटा लाइन पढ़ेंगे, फिर बाद में थोड़ा बड़ा, और फिर पूरा लाइन पढ़ेंगे। ओम अयनेषु च सर्वेषु यथा भाग मवस्थिताः भीष्ममेव भिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि अयनेषु च सर्वेषु यथा भाग मवस्थिताः भीष्ममेवाभि रक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। अभी थोड़ा बड़ा बोलेंगे। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। तो अभी पूरा लाइन बोलेंगे। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। और एक बार बोलेंगे। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। तो चलिए अभी 12वां श्लोक शुरू करते हैं। तस्य संजनयन् हर्षं कुरु वृद्धः पितामहः
सिंहनादं विनद्योच्चैः शंखं दध्मौ प्रतापवान् तस्य संजनयन् हर्षं कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चैः शंखं दध्मौ प्रतापवान। थोड़ा बड़ा बोलेंगे। तस्य संजनयन् हर्षं कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चैः शंखं दध्मौ प्रतापवान् तस्य संजनयन् हर्षं कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चैः शंखं दध्मौ प्रतापवान। अभी हम थोड़ा बड़ा बोलेंगे। तस्य संजनयन् हर्षं कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चैः शंखं दध्मौ प्रतापवान्। और एक बार बोलेंगे। तस्य संजनयन् हर्षं कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चैः शंखं दध्मौ प्रतापवान्। तो अभी 13वां श्लोक में चलते हैं। ततः शंखाश्च भैर्यश्च पणवान् कगोमुखाः सहसैवाभ्य हन्यन्त सशब्द स्तुमुलो भवत् ततशंखाश्च भैर्यश्च पणवान् कगोमुखाः सहसैवाभ्य हन्यन्त सशब्द स्तुमुलो भवत्। थोड़ा बड़ा बोलेंगे। ततः शंखाश्च भैर्यश्च पणवा नकगो मुखाः सहसैवाभ्य हन्यन्त सशब्दस्तुमुलो भवत् ततः शंखाश्च भैर्यश्च पणवा नकगो मुखाः सहसैवाभ्य हन्यन्त सशब्दस्तुमुलो भवत्। अभी पूरा लाइन बोलेंगे तो ध्यान से देख के पढ़ें। ततः शंखाश्च भैर्यश्च पणवा नकगो मुखाः सहसैवाभ्य हन्यन्त सशब्दस्तुमुलो भवत् ततः शंखाश्च भैर्यश्च
पणवा नकगो मुखः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तुमुलो भवत्। तो चलिए अभी 14 नंबर श्लोक पढ़ते हैं। ततश्वेतैर् हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदध्मतुः। ततश्वेतैर्हयैर्युक्ते, और एक बार ध्यान से सुने, ततश्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदध्मतुः। ततश्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदध्मतुः। तो अभी पूरा लाइन बोलते हैं। ततश्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदध्मतुः। और एक बार, ततश्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदध्मतुः। तो चलिए अभी 15 नंबर श्लोक पढ़ते हैं। पाञ्चजन्यं हृषीकेशो देवदत्तम्। वहां पे डबल ता है, दो ता है। देवदत्तम् धनंजयः पौण्ड्रं दध्मौ महाशङ्खं भीमकर्म वृकोदरः पाञ्चजन्यं हृषीकेशो देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दध्मौ महाशङ्खं भीमकर्मा वृकोदरः पाञ्चजन्यं हृषीकेशो देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दध्मौ महाशङ्खं भीमकर्मा वृकोदरः। तभी चलिए पूरा लाइन पढ़ते हैं। पाञ्चजन्यं हृषीकेशो देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दध्मौ महाशङ्खं भीमकर्मा वृकोदरः पाञ्चजन्यं हृषीकेशो देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दध्मौ महाशङ्खं भीमकर्मा वृकोदरः। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। तो आज का क्लास यहीं पे संपूर्ण होता है। तो आगे का श्लोक हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, और
हमारा इस चैनल में शीघ्र ही गीता का रिवीजन का भी शुरू किया जाएगा। तो आप लोग अगर हमारा चैनल से पढ़ रहे हैं तो आप हमारा चैनल में ही रिवीजन कर सकते हैं भगवद गीता का, और साथ ही साथ अन्य जो सूक्त आदि वगैरह है और ललिता सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम आदि है, उसको भी हम शुरू करने वाले हैं। तो हमारे चैनल में सीखते रहिए। अधिक जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। धन्यवाद। जय गुरुदेव।